Good morning students, this is your computer class. Today I am start the chapter first introduction of computer. Computer एक electronic device है, means ये light से ही चलता है और जो हमें information देता है. Parts of a computer. Computer के दो parts हैं. First is computer hardware and second is computer software. Now come to the first, computer hardware. Hardware पार्ट्स उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, लाइक एस मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, प्रिंटर, माइक्रोफोन, हेडफोन्स, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड स्पीकर्स. नेक्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो पार्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो स्क्रीन के अंदर होते हैं, लाइक एस वर्ड पैड एंड पेंट. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर काम कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इनपुट डालते हैं, कुछ डाटा फीड करते हैं, देन वो प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट मींस रिजल्ट देता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई डिजिट दे रखी है फॉर 4-3, तो उसको सबसे पहले हम इनपुट मींस कोड में टाइप करेंगे 4-3, ये हम टाइप करेंगे, देन वो प्रोसेस करेगा 4-3 और फिर वो हमें रिजल्ट देगा एज अ आउटपुट 1. ओके, नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट इज स्पीड, कंप्यूटर बहुत स्पीडली काम करता है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, ये हमें रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट देता है बिना मिस्टेक के. नेक्स्ट इज वर्सटाइल, ये एक ही टाइम पर बहुत सारे काम करता है. डेलीगेंस, ये बिना थके कॉन्टिन्यू काम करता है. एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज, ये बहुत कुछ हम इसमें अपना स्टोर कर सकते हैं. रिलायबिलिटी, ये हमें रिजल्ट एकदम एक्यूरेट देता है, जिस पर हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसका रिजल्ट एक्यूरेट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट इज नो आईक्यू, इसका अपना कोई आईक्यू नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन है वो नेट से ही मिलती है. नो डिसीजन मेकिंग पावर, ये अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. नो इमोशंस एंड फीलिंग्स, कंप्यूटर की कोई भी इमोशंस और फीलिंग नहीं होती. नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, ऑन करने के लिए हमेशा बिजली की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर को हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड हम अपने रिलेटिव से बात करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग या अदर सोशल साइट्स. एंड हम कंप्यूटर पर शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर पर हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, लाइक लेटर, रिज्यूम, रिपोर्ट्स. एंड हम कंप्यूटर पर मूवी या म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. कंप्यूटर पर हम गेम भी खेल सकते हैं. सो हेयर आई एम कंप्लीट द चैप्टर. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.